नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट देशुभाई यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे जेकेपी पुलिस रिक्रूटमेंट्स के बारे में। तो आप लोगों को बता दें कि काफ़ी बच्चों की नज़र जहां पर जेकेपी भर्ती पर बनी हुई है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती कब तक आ सकती है। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया और एक्सपीरियंस के थोड़ा बहुत बताने वाले हैं कि अगर जेकेपी की भर्ती आती है तो इसमें लगभग कितनी वैकेंसी हो सकती है और इसमें हाइट वगैरह क्या रह सकती हैं, आप लोग एलिजिबल है कि भी नहीं है। रिटर्न एग्जाम सिलेबस के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी देंगे। आपको बता दें होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था जिसमें आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की 16,000 वैकेंसी दिखाई गई थी, जिसमें आप लोगों की क्लास फोर्थ की वैकेंसी थी और होम डिपार्टमेंट्स में 6,000 वैकेंसी दिखाई गई थी। बाद में डेली एक्सीजर की न्यूज़पेपर में आया था कि जो होम डिपार्टमेंट की वैकेंसी है वो जेकेपी की वैकेंसी है। ये फिलहाल आप लोगों को बता दें कि ये अकॉर्डिंग टू सोर्स से आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तो इसका मतलब है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उठता है कि आप लोगों के ये फॉर्म कब तक लगेंगे। अगर फॉर्म लगते भी हैं तो इसमें क्वालिफिकेशन हाइट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है, ये थोड़ा बहुत आपको बताएंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचेंगे। फिलहाल अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती एक ऑलरेडी हो गई है, वो पीछे पीछे लड़ कर रही है, उसमें कोर्ट केस वगैरह का मसला चल रहा है। बट आप लोगों को बता दें कि जहां पर न्यू रिक्रूटमेंट्स को लेकर नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू सोर्स जहां पर JKSSB जो है वो अपना एग्ज़ाम कैलेंडर वगैरह 1st week of June में जारी कर सकता है। ये भी एक अपडेट्स जो है वो सोशल मीडिया पे आई थी। तो इसलिए आपको बता दें कि अगर JKSSB ने करवानी होगी जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती तो आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट जल्द देखने को मिल सकती है। मे बी द जून में ही आपको क्या पता एडवर्टाइजमेंट देखने को मिले। अगर भर्ती करवाएगी जम्मू कश्मीर पुलिस खुद तब तो भाई थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आपको क्लियर करवा दें कि जहां पर बूम एंड बार्डर बटालियंस की ट्रेनिंग जो है वो मई महीने से शुरू हो गई है और उनकी एक साल का ट्रेनिंग रहेगा, तो ये आप लोगों को पहले बता रहा हूं। तो मई महीने से उनका ट्रेनिंग शुरू हुआ है, 9 महीने का ट्रेनिंग रहेगा उनका। जनवरी फरवरी में उनका मतलब कि ट्रेनिंग सेंटर जो है वो JKP के ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये भर्ती कराना चाहे तो आप लोगों को बता दें कि ये नए फॉर्म जून जुलाई में भी लगा सकते हैं। अगर इन्होंने जून जुलाई में फॉर्म लगाए तो अगस्त सितंबर तक इनके फॉर्म चलेंगे, 2 महीने तक इनके फॉर्म चलते हैं। उसके बाद आप लोगों को बता दें 1.5-2 महीना गर्मियों में जो फिजिकल जो अगर करवाएंगे तो 1 फरवरी मार्च में ही फिजिकल करवाएंगे, क्योंकि इन्हें कश्मीर डिविजन्स को भी साथ लेके चलना पड़ता है। तो आपको बता दें कि मेरे ख्याल से एज़ पर माई आइडिया ये JKSSB को ही दे सकते हैं JKP की भर्ती, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम पहले होने की उम्मीद है। कोई भी ऐसी भर्ती नहीं बची है आज के ज़माने में जो पहले फिजिकल करवाए। फिलहाल अभी चांस जो है जो बार भर्तियाँ हो रही हैं, जो अदर स्टेट्स की भर्ती हो रही है, तमाम पुलिस की भर्ती हो रही है, उन सभी में पहले रिटर्न ही है। बट अभी तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। बट आपको बता दें कि अगर भर्ती आती है तो 10th pass 10वीं पास 18 से 28 साल तक उम्र। फिलहाल अगर आपको उम्र की बात करें तो उम्र में यहाँ पर शूट को लेकर युवा जो है वो बिल्कुल बढ़ गएंगे, क्योंकि 2017 के बाद यहाँ पर कोई भी JKP की भर्ती नहीं हुई है। मेरे ख्याल से इन्होंने 2 रिक्रूटमेंट्स करनी है, पहली वैकेंसी ये 6,000 निकालेंगे और दूसरी भी निकाल सकते हैं बैक टू बैक, इसलिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि JKP के रिटर्न में आता क्या है, उसका सिलेबस पैटर्न क्या है। तो आपको बता दें कि JKP का रिटर्न जो है वो एक मिक्स टाइप का रहता है, उसमें 10वीं की साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैथ और ग्रामर जो है वो सबसे कम आती है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू कश्मीर के रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बेसिक नॉलेज हिस्ट्री वगैरह आप लोगों को पूछी जाती है, इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज के अपने पास रखें। ये आप लोगों के सबसे लिए बड़ी अपडेट्स आप लोगों को जानकारी दे दी है। तो जहाँ पर 6,000 के आसपास वैकेंसी अप्रॉक्सीमेटली होम डिपार्टमेंट्स के पास है, अब होम डिपार्टमेंट्स जम्मू कश्मीर पुलिस को रेफ़र करेगा या तो JKSSB को रेफ़र करेगा, ये आप लोगों को बता रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। और 1st week of June जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है एडवर्टाइजमेंट के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं तो मे भी ये एक भर्ती निकालने वाले हैं।